नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ बहुत ही विशेष त्यौहार है। करवा चौथ के लिए महिलाएं पूरे साल इंतज़ार करती हैं और इस दिन चाहे किसी भी उम्र की महिला हो, दुल्हन की तरह सजती संवरती है और पूरे दिन अपने पति के लिए उपवास रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। निर्जला मतलब पूरे दिन आप ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं और उपवास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपनी पति की लंबी उम्र और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता रही है कि अगर कोई कुंवारी स्त्री इस व्रत कुंवारी लड़की इस व्रत को रखती है तो उसे वर अच्छा और उसके मन इच्छानुसार मिलता है। वैसे तो जैसे मैंने बताया है कि करवा चौथ को निर्जला रखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार सरगी देने का विशेष महत्व होता है। सरगी अधिकतर महिलाएं इस व्रत को सरगी खाकर रखती हैं। इस व्रत को रखने से पहले सरगी 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में सरगी खाई जाती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला रहा जाता है, जब तक कि चांद नहीं निकल जाता। और चांद निकलने के बाद, चांद को जल देने के बाद यह व्रत पूर्ण होता है, उसके बाद खाना खा सकते हैं। अधिकतर प्रचलन है कि सरगी सुहागन स्त्री को उसकी सास देती है, लेकिन अगर किसी कारणवश सास नहीं है तो आपकी ननद या जेठानी भी आपको सरगी दे सकती है। सरगी में दूध, खाने पीने की चीज़ें, फल मेवा, मिष्ठान, पौष्टिक आहार, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। किन्हीं घरों पर सरगी में हलवा पूरी देने का भी प्रचलन होता है, लेकिन क्योंकि आपको पूरे दिन व्रत रखना है और अगर आप सुबह हलवा पूरी या ऐसा कोई गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो आपको पूरे दिन व्रत रखने में परेशानी हो सकती है, आपको प्यास लग सकती है, तो जिसकी वजह से आपको प्रिफर करना चाहिए कि आप सरगी में फल मेवा ही लें। और दूध, क्योंकि दूध इसकी परंपरा में दूध भी शामिल है, दूध के बिना सरगी अधूरी मानी जाती है, तो दूध भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर में अभी आप दूर रहते हैं, आप जॉब करते हैं या फिर आपकी सास नहीं है किसी कारणवश, तो आप अपनी ननद जेठानी या बड़ी बहन से भी सरगी ले सकते हैं। सरगी का समय आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि सरगी 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच में खाई जाती है। इसके बाद सरगी नहीं खाई जाती, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद में हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगला दिन शुरू हो जाता है और आपका करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी को रखा जाता है। ये व्रत गणेश जी को समर्पित होता है। इट मीन्स इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश भगवान से अपने पति की लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि और उसकी सफलता की कामना की जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी करवा चौथ की में खाई जाने वाली सरगी के बारे में जानकारी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।